सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एके व्लॉग। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। गाइस, मैरी क्रिसमस सबको। काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आ रही है और इसके पीछे एक रीज़न ये भी है गाइस कि मैं काफ़ी बिजी शेड्यूल में था अपने फ्रेंड्स के साथ। काफ़ी सारे काम होते हैं वो निपटा रहा था। तो आज का जो टॉपिक है, कंटेंट आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। ये जो टॉपिक है कोल्ड स्टार्ट के ऊपर है। सबसे ज़्यादा रॉयल इनफील्ड में दिक्कत आती है सर्दियों के टाइम, जैसा कि हमारी प्यारी बाइक स्टार्ट होने में सुबह सुबह दिक्कत करती है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करती है। तो कुछ लोगों के लिए ये काफ़ी मुश्किल होता है रॉयल इनफील्ड की किक मारना। बट मेरी सलाह लोगों से यही है कि आप लोग जब भी बाइक स्टार्ट कीजिए तो सबसे पहले किक से ही कीजिए, क्योंकि किक से जो है स्टार्ट करना अच्छा रहता है इंजन के लिए भी और बैटरी के लिए भी, क्योंकि एक बार में बाइक स्टार्ट होनी ही नहीं है। तो इसके लिए किक बेटर है ना, बैटरी की पावर ख़त्म होती है और आपको भी थोड़ा वार्म अप मिल जाता है बाइक। तो बताते हैं आपको कैसे कोल्ड स्टार्ट करते हैं और करके भी दिखाएंगे। कुछ लोग बोलेंगे कि बाइक न्यू है, तो गाइस पुराने बाइक की भी ट्रिक बताएंगे आपको कैसे कोल्ड स्टार्ट कीजिए एक से दो किक में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इग्निशन ऑन करना है। जैसा आप लोगों को पता है, बाइक आपकी न्यूट्रल पे होनी चाहिए। न्यूट्रल से ये रहता है कि गियर में, आपको पता होगा गियर में प्रॉब्लम होती है, बाइक स्टार्ट नहीं होती। सबसे पहले आपने इग्निशन ऑन करके क्लच को दबा के हैंडल, ये अपनी किक को एकदम नीचे लेके जाना है। दो तीन बार ऐसे करना है। इससे क्या होता है, जो किक हार्ड हो रही होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और सही रहता है। अच्छा, दो तीन बार करने के बाद आपने सबसे पहले इग्निशन स्विच ऑन करना है। न्यूट्रल पे है आपकी बाइक बिना रेस दिए। देखिए गाइस, आप सुन सकते हैं, आप पहले ही बाइक स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर आपकी बाइक पहले किक में स्टार्ट ना हो तो फिर से क्लच दबा के उसे किक को नीचे लेके जाइए, साथ पूरे नीचे लेके जाइए इसे और फिर से एक बार ट्राई कीजिए। आपका जो है वो धीरे धीरे गर्म होता रहता है और जब वो वार्म अप हो जाता है देन बाइक अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। और एक चीज़ और गाइस, अगर आप नोटिस करेंगे तो अपनी ये जो घुमाएंगे तो कम होगा, जैसे स्क्रू को हम बाहर की तरफ निकालते हैं तो कम होगा। इसे थोड़ा सा सर्दियों में अपना बढ़ा के रखिए। इससे होता है कि बाइक का इग्निशन जो है वो ऑन, रेस जो है वो स्टार्टिंग में ज़्यादा रहती है तो बाइक ईजिली स्टार्ट हो जाती है। तो इसे हल्का सा उठा के रखिए, सर्दियों के टाइम सही रहता है इंजन के लिए भी बाइक के लिए भी। और हाँ गाइस, मेरी बाइक नई है, मुझे पता है लोग कमेंट करेंगे बाइक नई है, तो पुरानी की ये ट्रिक है गाइस, चौक सब में होती है। अगर आपकी वैसे बाइक ठीक नहीं हो रही तो आप इसे चौक खींच कर बिल्कुल परफेक्ट कर सकते हैं। चौक खींच के किक मारेंगे और जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, वैसे बिना चौक के ही हो जाएगी एक तो किक में स्टार्ट। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बस आज के लिए इतना ही, और जो रेड कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।